अस्सलामुअलैकुम, सलाम नमस्ते, सत श्री अकाल। उम्मीद करता हूँ फिट होंगे, बेहतरीन होंगे, अपनी लाइफ अच्छे से एंजॉय कर रहे होंगे। हम दोनों की तरह आज एक और वीडियो, और उसका टाइटल है, उसका टाइटल है जी, पाकिस्तानी वजीर ख्वाजा जो है वो बिलावल भुट्टो जनाना वो गए हुए हैं इंडिया में और वहाँ पे उनका इस्तकबाल हुआ है और वो उसी खुशी में चकरा गए हैं और उसी रिलेटेड ये वीडियो है। और अभी वीडियो देखते हैं और बिल्कुल बाकी बातें बाद में करेंगे। उससे पहले ओरिजिनल वीडियो का लिंक एनडी प्लस न्यूज़ के वीडियो ओरिजिनल है इनकी और इनका लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद होगा, लाजमी इनको भी सपोर्ट करें और हमें भी सपोर्ट करें। मेरा नाम है राणा मोहम्मद अली और मेरे साथ हैं वरिष्ठ क्लाइंट बॉस हो गाइस, लेट्स स्टार्ट। भारत पहुंचे पाकिस्तान के विदेश मंत्री, 12 सालों के बाद खुशी से फूले नहीं समा रहे हैं, एयरपोर्ट से लेकर हर तरफ स्माइल करते दिखे पाकिस्तान के विदेश मंत्री। जी हाँ दोस्तों, इस वक्त की बहुत ही बड़ी खबर आ रही है देश के अंदर चल रहे SCO के समिट से। दोस्तों, विदेश मंत्रियों का SCO समिट होने जा रहा है और इस समिट के अंदर पाकिस्तान के विदेश मंत्री बिलावल भुट्टो भी पहुंच गए हैं। पाकिस्तान से जब ये निकले तो काला चश्मा पहनकर निकले थे और तस्वीरें आपके सामने हैं कि बिल्कुल स्वैग से और चेहरे पर एक बड़ी सी मुस्कान लेकर निकले थे। जैसे ही ये भारत की धरती पर लैंड करते हैं, वैसे ही भारत के ऑफिशियल ने पाकिस्तान के विदेश मंत्री का वारम वेलकम किया और वहां पर भी बिलावल भुट्टो एक मुस्कुराते हुए दिखाई दिए। हालांकि ये जो मुस्कुराहट है उनकी, या तो एक उनका स्वभाव है या फिर ये भारत आकर फूले नहीं समा रहे हैं। अब एक और बार आपकी एयरपोर्ट की एक तस्वीरें निकल रही है जिसके अंदर बिलावल भुट्टो की जो स्माइल है आप देख सकते हो। फिर दोस्तों, बिलावल भुट्टो भारत की जमीन पर पहुंचे और उन्होंने मीडिया को इंटरव्यू दिया और उस इंटरव्यू के अंदर भी वो फूले नहीं समा रहे हैं और खुशी का इजहार कर रहे हैं। बेसिकली उन्होंने बातें तो भारत को लेकर कुछ नहीं बोली, उन्होंने कहा कि मैं SCO समिट के अंदर पहुंचा हूं और इनके जो चेहरे के एक्सप्रेशन है देख सकते हो कि इन्हें लग रहा है कि पूरे भारत और पाकिस्तान की मीडिया आज बिलावल भुट्टो को ही देख रही है, तो यही कारण है कि अच्छे एक्सप्रेशन दिए जाएं। खैर, पूरी ये बात तो इनकी सच है कि भारत और पाकिस्तान का मीडिया बिलावल भुट्टो को ही देख रहा है इस SCO की मीटिंग के अंदर, इस बारे में किसी को शक नहीं है। लेकिन इसी के साथ मजा आ जाता अगर भारत के विदेश मंत्री के साथ ये बायलेटरल मीटिंग हो जाती। खैर, मीटिंग नहीं होगी लेकिन SCO के समिट के अंदर जरूर आमने सामने तो दोनों विदेश मंत्री होंगे ही। देखना होगा वो नजारा कैसे बनेगा, क्या बिलावल भुट्टो भारत के विदेश मंत्री से मुलाकात करेंगे या नहीं, ये देखने वाली बात होगी। खैर, आपका क्या मानना है बिलावल भुट्टो जी के बारे में, इनकी स्माइल के बारे में, जरा कमेंट में बताइएगा। ये तो ना ही पूछे कि क्या कहना है इनके बारे में। और बाकी ये है कि चलें ठीक है, इंडिया से तलकात बढ़ाने चाहिए और इसी सिलसिले में जो है ना वो कड़ी ये ठीक कर रहे हैं और इंडिया में गए हैं उनकी दावत पे SCO समिट में, और ये तो अच्छी बात है, इस पे हमें कोई मतलब एतराज नहीं है। लेकिन ये एतराज है कि हमारा वजीर दाखिला है बिलावल भुट्टो है और कोई और होना चाहिए था इसकी जगह। और बाकी ये है कि मतलब जाहिर है हंसी आती है हमें, और जैसे देख ले हम भी खुश हैं कि वो इंडिया में गए हैं क्योंकि हमारा स्वभाव ही ऐसा है और उसका भी वैसे ही है और वो ऐसे ही करता रहता है। और ये नहीं है कि वो मतलब कुछ और ही मतलब टाइप का है ना, समझ रहे हो। बाकी ये है कि उससे भी हमें कोई इतराज़ नहीं है, लेकिन कुछ चीज़ें गलत होती हैं जो गलत होती हैं क्योंकि हमारे मुल्क को बर्बाद करने में इनका भी बड़ा हाथ है। बिल्कुल, तो इसलिए हमें ये लोग पसंद नहीं है, तो उस हवाले से हम बात करें। बाकी इंडिया में गए हैं ये तो देख के हमें अच्छा लगा कि इंडिया के साथ तलकात बेहतर होंगे, सारा कुछ बेहतर हो जाए। मैं तो कहता हूँ कि ट्रेड भी जारी हो जाए और एक दूसरे के साथ लेन देन भी हो जाए। और बाकी एक कमेंट आया था कार बिजनेस के हवाले से, तो उन्होंने कहा कि बेवकूफ नेशन है दोनों, इंडिया नहीं था और तो कार बिजनेस नहीं करते आपस में। अच्छा, नहीं करते इस वजह से। और ये वो करना चाहिए बाकी, और बाकी चीजों के भी लेके बिजनेस करना चाहिए। और उनका वेलकम भी हुआ और ये भी देख के अच्छा लग रहा है कि चलो पाकिस्तानियों को भी इज्जत मिली, और क्योंकि जाहिर है वो है तो पाकिस्तान का वजीर दाखिला। बिल्कुल, और उसकी वजह से अगर उसकी इज्जत होगी तो जाहिर है पूरे पाकिस्तान की इज्जत होती है। बिल्कुल, तो बेशक वो जो भी है कोई भी हो, लेकिन उसको जो ओहदा मिला हुआ है ना, ओहदे को इज्जत दी जाती है ना जो, तो वो पूरे पाकिस्तान को मतलब जो है ना वो इज्जत मिलती है। तो वो देख के अच्छा भी लगा, इंडिया में जो है वो वेलकम अच्छा हुआ है उसका। और बाकी ये है कि ओवरऑल वीडियो अच्छी थी, शॉर्ट सी वीडियो थी और बस थोड़ा बहुत उन्होंने कवरेज का बताया है,
और अगर कोई उस इससे रिलेटेड अगर कोई और वीडियो निकलेगी तो उस पर भी हम रिएक्शन करेंगे, और लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में, सॉरी लिंक जो है वो आप भेज सकते हैं अगर कोई ऐसी वीडियो हो तो जी। तो बाकी और वीडियो अच्छी थी बिल्कुल जी, वीडियो ज़बरदस्त थी नो डाउट, और पाकिस्तान में एक अलग ही इमेज बना हुआ है इस बंदे का, तो वो उस टाइप का नहीं है, ये वो डिफरेंट टाइप का है, तो वो उस नज़रिए से देखते हैं। और इन लोगों ने जो मुल्क का हाल किया है, अभी देख के सीरी हंसी निकल रही थी, तो एक बंदा अगर मुल्क के साथ मुखलस है और वो ठीक काम कर रहा है और दूसरे मुल्क में जाएगा तो उसकी इज्जत होगी, लेकिन आप लोगों ने फिर भी वेलकम किया और तहे दिल से किया, और ये चीज़ अच्छी लगी। और ये भी अच्छा लगा कि चलो ठीक है, वो जिस तरह का भी है उसने वहाँ पर जाके एक अच्छा इमेज जो है वो क्रिएट किया। पाकिस्तान में जिस तरह के भी हालात चल रहे हैं, वो उसने मुंह नहीं लटकाया हुआ था या कुछ इस तरह की बात नहीं हो रही थी, लेकिन यह है कि वो जो मुलाकातें करनी है, जो जो उनके दरमियान कन्वर्सेशन होनी है, वो बड़ी इंपॉर्टेंट है। हाँ ये शुक्र है कि ये वो इसने जाकर ये नहीं कह दिया होगा, उम्मीद है नहीं कहा होगा शहबाज शरीफ की तरह, मैं मांगने नहीं आया लेकिन क्या करें मजबूरी है, मजबूरी है। तो ये इसके वैसे भी डायलॉग जो है बड़े फेम में है, सॉरी अबाउट दैट, कुछ चाहने वाले हाँ डायलॉग आप लोगों को शायद जानते भी होंगे, जानते भी होंगे, तो बारिश आता है तो और पानी आता है, नहीं बारिश आता है तो पानी आता पानी है, आता है अगर ज्यादा बारिश आता है तो और ज्यादा पानी आता है, तो ये एक डायलॉग है। और एक दूसरा इसका डायलॉग है कांपे टांग गई, और इसने दर्जन आलू भी कर दिए हैं, वो तो किलो मिलते हैं, इसने दर्जन भी कर दिया। खैर इस तरह की ये चवले मारते रहते हैं क्योंकि फॉरनर्स हैं ये टोटली पीछे से, हाँ इसको पंजाबी उर्दू नहीं आती, तो वो उसका लहजा भी इस तरह का है, तो बोलने का स्टाइल चलने का स्टाइल भी इस तरह। अभी इन्होंने चलने का स्टाइल कॉपी नहीं कर लिया, बीच में वो करते तो आसपास के पागल हो जाना था, लेकिन यह है कि आप लोगों ने वेलकम किया, थैंक यू सो मच, और जो भी हालात जिस तरह के भी हैं, जिस तरह का भी बंदा है, आपने वेलकम किया और ये अच्छी चीज़ है, एक औरत को इज्जत दी है ना। बिल्कुल बिल्कुल ज़बरदस्त वीडियो थी, और मैं कहूँगा शॉर्ट सी थी, इसमें थोड़ी और क्लिप हो जाती तो और मज़ा आता। बहरहाल वही अगर शहबाज शरीफ जाता तो ज्यादा क्लिप होते फिर तो बाद बाद में होना था, जैसे खैर मैंने देखो उसने तो बॉडी गार्ड को लूट मारा था खड़ा होना जी, चलो ये है कि ये थोड़ा पढ़ा लिखा बंदा है तो थोड़ा स्टेबल रहेगा, हाँ उससे बेहतर है, हाँ बिल्कुल। वीडियो ज़बरदस्त थी, इनकी ओरिजिनल वीडियो की लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद होगी, जाएँ विजिट करें, चेक करें, सपोर्ट करें इन्हें भी और हमें भी, लाइक शेयर कर दिया करें प्लीज़, आप लोगों की मोहब्बत जो है वो हमें चाहिए, और दिन ब दिन कम होती जा रही है, और जितने हमारे फॉलोअर्स हैं उनमें से कम ही देख रहे हैं, कुछ लोग बिजी होंगे, बहरहाल वक्त दिया करें, आप लोगों की मेहरबानी है, मोहब्बत है, और इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, पीस।